नमस्कार न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। ग्वालियर में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। खनिज विभाग की टीम को कुचलने की कोशिश की है रेत माफिया ने। अवैध रेत से भरा डंपर चढ़ाने की कोशिश की गई है। खनिज विभाग की टीम ने डंपर पकड़कर खाली कराया है। डंपर मालिक ने टीम पर सरिया से हमला कर दिया। बंदूक की नोक पर खाली डंपर लेकर खनन माफिया फरार हो गया। खनिज इंस्पेक्टर राजीव गंगेले ने थाने में शिकायत की है। मुरार थाना पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। तो ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप। ये मामला ग्वालियर का है जहां पर खनिज विभाग की टीम को कुचलने की कोशिश की गई है। खनन माफिया है उस पर आरोप लगा है। दरअसल अवैध तरीके से ले जा रहे रेत को डंपर से खाली करा लिया खनिज विभाग ने। हालांकि इसके बावजूद जो खनन माफिया थे उन्होंने हमला भी कर दिया खनिज विभाग के अधिकारियों पर, टीम पर, और हथियारों की नोक पर डंपर लेकर वहां से फरार हो गए। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, हैरान करने वाला मामला है लेकिन पहला मामला नहीं है। आखिर कब लगाम लगेगी खनन माफियाओं पर? बिल्कुल सही बात है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले की घटना है, खनन माफिया ने हमला किया है। जब टीम पकड़ने के लिए गई थी उसी दौरान मुरार थाना क्षेत्र का एक घटनाक्रम है जहां डंपर को रोका था जो अवैध तरीके से उत्खनन करके लाया गया था। और उसी दौरान बताया जा रहा है कि जो काना यादव नाम का है शख्स, उसने इस टीम पर मारपीट की, हमला कर दिया। उसके अलावा बंदूक की नोक पर वो डंपर को भी लेकर भाग गया है। और इसके बाद जो अधिकारी है इंस्पेक्टर राजीव गंगले, उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना बताती है कि ग्वालियर में माफियाओं के हौसले कितने बुलंद है कि वो ना सिर्फ टीम को कुचलने का प्रयास करते हैं, बंदूकों की नोक पर जो अवैध उत्खनन का माल है उसको लेकर भाग जाते हैं। और इन पर किसी तरह का कोई असर शायद कानून का खौफ नहीं है। यही वजह है कि इन अधिकारियों पर इस तरह की इन्होंने घटना कारित की है। अब मुरार पुलिस इसमें केस दर्ज करने के बाद जो है आरोपी की तलाश में जुट गई है। निश्चित तौर पर अब प्रशासन का कहना है कि इस पर बड़ा एक्शन होगा क्योंकि प्रशासन की टीम पर हमला, एक तरह से सरकार पर हमला है। बिल्कुल सुशील, खुली चुनौती है ये प्रशासन के लिए, शासन के लिए। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या खनिज विभाग पर्याप्त पुलिस बल के साथ नहीं था? आखिर कैसे हमला कर दिया टीम पर और डंपर भी लेकर फरार हो गए? बिल्कुल सही बात। देखिए ये सूचना मिली थी और उसी सूचना के आधार पर डंपर को रोका गया था। और रोकने के बाद जब खनन विभाग की टीम थी, उस टीम ने यहाँ जो मालिक था उससे बातचीत की और उसी दौरान वो आक्रोशित हुआ। काना यादव नाम का शख्स, जो बताया जा रहा है कि वो डंपर का मालिक भी था, उसी का ये कामकाज था, और उसी ने जो है टीम के साथ बहस की। उसके बाद सरिया लेकर आया, हमला करने की कोशिश की और गाली गलौज की। इसके साथ ही बंदूकों की नोक पर इन्होंने जो डंपर था वो खाली कराया। उसके बाद ही जो है लेकर भाग गए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बड़ा घटनाक्रम है। पुलिस के कुछ जवान भी उस समय मौजूद थे लेकिन पर्याप्त अगर पुलिस बल की बात करें तो कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि खनन माफिया बड़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं, उस अनुपात में जो खनिज विभाग की टीम है वो नहीं हो पाती, या फिर उनके पास सुरक्षा के संसाधन जो है, सुरक्षाकर्मी या फिर अन्य जो साधन है वो उतने नहीं हो पाते। यही वजह है कि ऐसी परिस्थितियों में जो खनन माफिया वो हावी हो जाते हैं। लेकिन अब पुलिस प्रशासन का कहना है कि इन खनन माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह का कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये केवल दावे नहीं बल्कि दिखना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। जबलपुर में डीईओ के दफ्तर का घेराव, हथकड़ी पहनकर पहुंचे छात्र संगठन के लोग। रक्षा इंटरनेशनल स्कूल का मामला, बिना अनुमति 12वीं तक हो रही है पढ़ाई। उज्जैन में पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बुलाई बैठक, साधु संतों की धर्म संसद और विधवा परिषद ने बुलाई बैठक, हिंदू धर्म के देवी दर्पण के विरोध में प्रदर्शन। जबलपुर से 50 से अधिक गौवंश के सिर और अन्य अंग बरामद, काफी दिन पुराने बताए जा रहे अंग, मांस काटने वाली लकड़ी का टुकड़ा भी बरामद। बैतूल में 6 महीने बाद हुई जिला योजना समिति की बैठक, बैठक में जमकर हुआ हंगामा, विकास कार्यों के ना होने पर जताई नाराजगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जुलाई को आएंगे इंदौर, एक पेड़ मां के नाम अभियान में होंगे शामिल। अभियान के तहत इंदौर में लगेंगे 51 लाख पेड़।
इंदौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, झपट्टा गैंग चढ़ी पुलिस के हत्थे। 100 सीसीटीवी खंगालने के बाद गैंग तक पहुंची पुलिस, 3 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर में क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े 4 बदमाश, आरोपियों से 5 अवैध पिस्टल के साथ 2 जिंदा कारतूस भी किए गए बरामद, पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे अमरवाड़ा, हारी में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मंडला में नदी में डूबने से युवक की हुई मौत, 4 दोस्तों के साथ भीम कुंडी नदी में नहाने गया था, मौके पर पहुंची बीजा डांडी पुलिस, शव को कब्जे में लेकर की जांच शुरू। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा ऐलान, पाठ्यक्रम में शामिल होगा आपातकाल, मीसा बंदियों को टोल नाके में मिली छूट। टीकमगढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, लाठी डंडे से एक दूसरे पर किया हमला, 6 लोग हुए घायल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। शिवपुर में प्रशासन और पुलिस की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने टीम पर किया पथराव, विस्थापितों को जमीन देने आई थी टीम, ग्रामीणों ने दिया खेती का हवाला। बैतूल में गलत बीज बेचने वाली फर्म के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, अंकुरण नहीं होने पर किसानों को हुआ भारी नुकसान, पुलिस जांच में। बुरहानपुर में नाबालिग से गैंगरेप, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में चेकअप कराने के पर डॉक्टर ने बताया प्रेग्नेंट, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में बुलडोजर पर हुआ पथराव, अतिक्रमण हटा रहे बुलडोजर पर किया पथराव, पुलिस ने मौके से लोगों को खदेड़ा, कार्रवाई से नाराज थे लोग। फरीदाबाद में अस्पताल में परिजनों ने बुजुर्ग की मौत पर किया हंगामा, कमर दर्द की जांच कराने आया था बुजुर्ग, अस्पताल प्रबंधन के लोगों पर मारपीट का आरोप। बिलासपुर में कार चालक ने सड़क किनारे बैठे गौवंश पर कार चढ़ा दी, गौवंश की मौत का सीसीटीवी आया सामने, गौ सेवकों ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। सूरजपुर में थाने में एसीबी की रेड, घूस लेते एसआई को किया गिरफ्तार, 10,000 की ले रहा था रिश्वत, पीड़ित से किसी मामले को लेकर ले रहा था घूस। धमतरी में भाटा गांव के स्कूल में अभिभावकों का हंगामा, जर्जर भवन को लेकर अभिभावकों ने जताई नाराजगी, प्रशासन ने भवन को ठीक करने का दिया था आदेश। जबलपुर में घायल जवान को किया एयरलिफ्ट, मंत्री राकेश सिंह ने एयरपोर्ट से किया रवाना, पुलिसकर्मी ललित राय को उपचार के लिए भोपाल एम्स भेजा गया। शिवपुर में ग्रामीणों ने बिजली कंपनी दफ्तर घेरा, महाप्रबंधक कार्यालय के दफ्तर शव रखकर प्रदर्शन, फोन करने पर भी लाइन नहीं काटने का। भोपाल में सामान्य विभाग हुआ सख्त, अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 से शाम 6 बजे तक रहने का दिया निर्देश, विभाग ने पत्र जारी कर दिया आदेश। सदरपुर में पुलिस ने मारपीट के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बंदूक की नोक पर युवक के कपड़े उतारकर मारपीट, देसी कट्टा के साथ पिस्टल भी बरामद। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। रतलाम में पार्षदों और अधिकारियों की मीटिंग में भड़के एमआईसी सदस्य, शिकायतों की अनदेखी करने पर लगाई फटकार, विभाग की जिम्मेदारी पर लगाए गंभीर आरोप। सुकमा में हार्डकोर इनामी नक्सली ने किया सरेंडर, नक्सली पर 5 लाख का इनाम था घोषित, 2010 से नक्सल संगठन से जुड़ा था नक्सली। दुर्ग से अयोध्या धाम के लिए स्पेशल ट्रेन हुई रवाना, रामलला दर्शन योजना के तहत 850 यात्री रामलला के करेंगे दर्शन, डिप्टी सीएम अरुण साव विजय शर्मा ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। जांजगीर चांपा में अतिक्रमण के विरोध में कलेक्टर को दिया ज्ञापन, भूमाफिया कर रहे अवैध प्लॉटिंग, बस स्टैंड की बाउंड्री वॉल तोड़कर कर रहे कब्जा। बलरामपुर में गल्ला व्यापारी का दर्जनों से लाखों की ठगी, आरोपी के फरार होने पर व्यापारियों में मचा हड़कंप, लोगों ने थाने में दर्ज कराई एफआईआर। खरगोन में मोबाइल चोर गिरोह के 7 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने 8 लाख कीमत के 26 मोबाइल और 2 कार की जब्त, जैतापुर पुलिस की कार्रवाई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन के नाम पर श्रद्धालुओं के साथ मारपीट, घटिया विधायक ने सीएम को लिखा पत्र, दर्शन की व्यवस्था में सुधार की मांग। भोपाल में कांग्रेस हार पर करेगी मंथन, 29 और 30 जून को फैक्ट
फाइंडिंग समिति की बैठक, हारे प्रत्याशियों के साथ होगी चर्चा। सीहोर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने शव का पीएम कराया। दमो में ट्रिपल मर्डर केस, तीन आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, एक आरोपी अभी भी फरार, आरोपियों से पूछताछ जारी। दंतेवाड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की धारदार हथियार से हत्या, जमीन विवाद में महिला की हुई हत्या, कलेक्टर के नाम एसपी को सौंपा ज्ञापन। भिलाई गोलीकांड में तीन राउंड की गई थी फायरिंग, गाली गलौज को लेकर हुआ था विवाद, दो आरोपी गिरफ्तार, दो फरार की तलाश में जुटी पुलिस। राजनांदगांव में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के छह आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से सोना चांदी के जेवरात बरामद, सभी आरोपी ओडिशा और पश्चिम बंगाल के रहने वाले। कोटवा में बाल संप्रेक्षण गृह से फरार हुए दो बाल अपचारी, चोरी के मामले में पकड़े गए थे दोनों अपचारी बालक, फरार बच्चों की तलाश में जुटी पुलिस। हरदा में निजी बैंक से परेशान होकर व्यक्ति ने खाया जहर, इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया भर्ती, मकान निर्माण के लिए अप्लाई किया था लोन। कोरबा में पंचायत सचिवों की हड़ताल, चार सूत्रीय मांगों को लेकर सचिव कर रहे हड़ताल, तानसेन चौक पर कर रहे तीन दिन से हो रहा प्रदर्शन। रायपुर में हिंदू संगठनों का जेल भरो आंदोलन, बजरंग दल और वीएचपी ने किया आंदोलन, गौ रक्षकों पर हुई कार्रवाई का विरोध, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। गरियाबंद के सुपेबेड़ा दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री, किडनी रोग से अब तक 140 लोगों की हो चुकी है मौत, जिले में 200 हॉस्पिटल बनाने की घोषणा। अंबिकापुर में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा, बेटा ही निकला पिता का हत्यारा, पिता के शराब पीने और लड़ाई झगड़े से था परेशान, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बलौदा बाजार में सड़क पर नियम की अनदेखी करने वालों पर एक्शन, 90 वाहनों के कटे चालान, बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर भी की गई कार्रवाई। बैतूल में कुएं में गिरा मोर, सर्प मित्र ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला बाहर, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। दंतेवाड़ा में गरज चमक के साथ हुई बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। चिरमिरी में बारिश से पहले निगम की खुली पोल, घरों में घुसा नालियों का पानी, गंदा पानी घरों में घुसने से रहवासी परेशान। रायपुर में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 22 जिलों में बारिश आंधी की संभावना, 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। आगर मालवा में डीप फ्रीजर में बर्फ से बनी बर्फानी बाबा की प्रतिकृति, परिवार ने फूल चढ़ाकर की पूजा, करीब दो माह से फ्रिज में आकृति होने का किया दावा। सीधी में हवा के साथ हुई झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, तापमान में आई गिरावट। शाहजहांपुर में हुई जोरदार बारिश, गर्मी से मिली राहत, पानी से सड़कें हुई जलमग्न, मौसम विभाग ने दो दिनों तक बारिश होने की जताई संभावना। और अब खबर इंदौर से, जहां क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े चार बदमाश, आरोपियों से पांच अवैध पिस्टल भी बरामद की गई हैं, दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में हथियारों की सप्लाई करते थे ये। क्राइम ब्रांच पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है, तो ये बड़ी खबर इंदौर से, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए चार बदमाशों को धर दबोचा है, इनके पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं, पांच अवैध पिस्टल बरामद हुई हैं, जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं, और क्राइम ब्रांच अब पूछताछ में जुटी हुई है, आखिर क्या मकसद था इन अवैध हथियारों को, कि इन्हें कहीं बेचने की इनकी कोशिश थी या कुछ और, कहीं और इस्तेमाल इन अवैध हथियारों का होना था। तो दिल्ली, हरियाणा, यूपी और पंजाब में बताया जा रहा है कि ये आरोपी हथियारों की अवैध सप्लाई किया करते थे। क्राइम ब्रांच की टीम अब आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। हालांकि सवाल है कि आखिर कहां से कहां ये अवैध हथियार तैयार किए गए, और इन अवैध हथियारों को कहां से आरोपी लेकर आए थे, और कहां लेकर जा रहे थे, कहां इनकी सप्लाई होनी थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें इंदौर से, और
इंदौर में क्राइम ब्रांच आगे बढ़ेंगे खबर खंडवा से। खंडवा में स्ट्रीट शीटर विनोद उर्फ चूहा को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल विनोद ने कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में 10 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने, और जमानत पर बाहर आते ही उसने अपने 22 वर्षीय दोस्त के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। बहरहाल पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। विनोद उर्फ चूहा पर 15 मामले दर्ज हैं, जिसे देखते हुए पुलिस अब उसकी जमानत को निरस्त करने के लिए कोर्ट से निवेदन करेगी। विनोद है, उसको उर्फ चूहा भी बोलते हैं, तो उसने एक परिचित व्यक्ति को साथ में ले जाकर शराब वराब पिलाई और वहाँ पे उसके साथ प्रकृति के विरुद्ध क्रिया की है। उस पर से उसकी शिकायत पर से अपराध धारा 370 का कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है। और अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अमित, इस तरह के कृत्य में पहले भी शामिल रहा, बाहर आकर फिर वही वारदात को अंजाम दिया, आखिर जमानत मिल कैसे गई थी? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। हालांकि न्यायालयीन प्रक्रिया होती है और वहाँ जो भी उनके वकील रहे होंगे वो उन्होंने अपना पक्ष रखा होगा, लेकिन इस ये जो मामला आया है उसको इस पूरे मामले में जब सजा हुई थी तो 3 साल जेल में रहा और वो जब वापस आकर भी उसने उसी तरह का कृत्य दोहराया है और अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है और पुलिस स्पष्ट रूप से कह रही है कि जो उसको जमानत मिली है उसको निरस्त करने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। इसके खिलाफ 15 मामले दर्ज हैं और इस तरह के कृत्य के जो मामले हैं वो पहले भी दर्ज हो चुके हैं और इसके अलावा अन्य अपराध भी इसने किए हैं, तो पुलिस अब इन अपराधों के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो विनोद उर्फ चूहा स्ट्रीट शीटर है, 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं और अब जमानत रद्द कराई जाएगी। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जुलाई को इंदौर आएंगे, एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी है। अभियान के तहत इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान में शामिल होने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आएंगे 7 जुलाई को। एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत होने जा रही है और इसी अभियान के तहत करीब 51 लाख पौधे लगाने की तैयारी। जानकारी खुद मध्य प्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी है। 7 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह इंदौर आने वाले। और इमरजेंसी को लेकर लोकसभा में जारी प्रस्ताव पर अमित शाह ने कहा, आज लोकसभा में 1975 के आपातकाल के विरुद्ध प्रस्ताव रखकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान का अपमान करने वाली कांग्रेस सरकार के दमन और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले सत्याग्रहियों के संघर्ष को सम्मान देने का काम किया है, जिसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। तो सोशल मीडिया पर गृहमंत्री अमित शाह ने ये बात कही है। सोशल मीडिया पर लिखते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, आज लोकसभा में 1975 के आपातकाल के विरुद्ध प्रस्ताव रखकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान का अपमान करने वाली कांग्रेस सरकार के दमन और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले सत्याग्रहियों के संघर्ष को सम्मान देने का काम किया है, जिसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। सदन ने आज आपातकाल रूपी उस अन्याय काल को याद करते हुए इंदिरा सरकार के शोषण और अत्याचार को सहने वाले गरीबों, दलितों और पिछड़ों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की, जब देश के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर उनकी आजादी छीन ली गई थी। साथ ही सदन ने इस बात पर दुख जताया कि आपातकाल में कैसे पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया था और इंदिरा सरकार ने कैसे हमारे संविधान की भावना को कुचलने का काम किया था। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।